हे गाइस, तो मैं आज जाने वाला हूँ द लास्ट टाइम अलादीन के सेट पे। ओके, 2.5 साल हो गए हमारे शो को। मैं अलादीन पहले नहीं करना चाहती थी। फैमिली मिली, आमिर भाई में बड़ा भाई मिल गया, सिद्धार्थ में छोटा भाई मिल गया। पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अलादीन पे सेट पे जाने के लिए, और फर्स्ट टाइम मैं बाइक लेके जा रहा हूँ अलादीन के सेट पे। 40 किलोमीटर है यहाँ से, और लास्ट टाइम मैं चल के गया था, और इस बार लास्ट में मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक लेके। और देखते हैं आज कैसा दिन जाएगा। क्या वाला फ्लाईओवर जहाँ पे डेली मैं यहाँ से जाता हूँ। तो मज़ा तो काफ़ी आने वाला है आज के दिन मुझे, लेकिन बुरा भी वही लगने वाला है। लेकिन हम सब उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। एक अंत है तो एक नई शुरुआत होगी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। दिस इज़ टोल नाका, हेक्सर टोल नाका। बेसिकली गाइस, मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं सिद्धार्थ के साथ इसी रोड पे सिद्धार्थ के सेट पे जा रहा था, और आज लास्ट टाइम मैं अलादीन के सेट पे जा रहा हूँ। तो काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि मैं उनके मिलने जा रहा हूँ, सेट के लोगों को मिलने जा रहा हूँ। तो 30 वॉट इस घोड़बंदर एरिया, और मेरे बाइक का फ्यूल अभी ख़त्म होने वाला ही है, और मैं जल्दी से जल्दी पेट्रोल पंप पे जाना चाहता हूँ ताकि फ्यूल मैं डाल सकूँ, वरना मुझे हाईवे पे गाड़ी चला चला के फ्यूल पंप तक जाना पड़ेगा। तो ये देखिए पूरा ये है ट्रैफिक, और यहाँ पे है फ्यूल पम्प। गाइस, बेसिकली धूप तो इतनी है यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जो मैं चल के गया था वो टाइम पे मुझे ना धूप लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, ना भूख लग रही थी, और ना पैर दर्द कर रहा था वो टाइम पे। आज जा रहा हूँ काफ़ी दूर, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्यूल भरवाने वाला हूँ। गाइस, बेसिकली यहाँ पे मैंने अपना फ्यूल भरा लिया है, और यहाँ से अभी गाड़ी में हवा जाएगी, और यहीं से आगे मुझे काफ़ी जाना है। मुझे याद है वो दिन जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पे चल के आया था, और अभी जा रहा हुए थे। तो देखते हैं आगे कैसा कैसा रहेगा। तो गाइस, ये है ब्रिज जो मैं लास्ट टाइम आपको दिखा रहा था। बेसिकली भी हाईवे से मैं अंदर की तरफ रोड पे आ चुका हूँ, और मैं लेने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड को यहाँ से। ये अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्कूल चालू हो गए हैं। स्कूल के बच्चे तो ये है मेरे फ्रेंड की सोसाइटी के लिफ्ट जो खुलेगी। गाइस, तो मैं हूँ आर्यन के साथ, और जाने वाला अलादीन सेट ये लेके। सो दिस इज़ माय फेवरेट लस्सी। और आर्यन, कैसा लग रहा है? टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द अलादीन। अभी तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या लग रहा है। यार, मैं तो सच में नाराज़ हूँ, मतलब क्या बताऊँ। अलादीन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सिद्धार्थ के साथ, और अभी वो जर्नी ख़त्म होने जा रही है अलादीन वाली। काम तो हमेशा मैं करूँगा ही उनके साथ, वो तो आपकी दुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी क्या होता है। तो गाइस, बेसिकली आर्यन अभी गाड़ी चला रहा है, और मैं पीछे बैठा हूँ। इतना लंबा ड्राइव करके आया हूँ, तो अभी मैं पीछे बैठा हूँ, और हम लोग वापस से ये साइड से वो साइड जा रहे हैं, मतलब अलादीन के सेट पे जा रहे हैं। तो खुशी भी है, नाराज़गी भी है कि अलादीन बंद हो रहा है, अलादीन शो बंद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिद्धार्थ को कहीं और नहीं देखेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनका जब आएगा तब हम उनको उससे कहीं ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देंगे। और आप मुझे पता है मेरे चैनल को भी सपोर्ट करोगे तो बढ़ते हैं आगे। बेसिकली आर्यन आ चुके हैं अलादीन के सेट पे और मेरे पीछे बैग नहीं है क्योंकि मैंने सिद्धार्थ के रूम में बैग रख दिया है और मैं अंदर भी जाके आ चुका हूँ। सिद्धार्थ का टेक चल रहा था तो मैं आर्यन के साथ बाहर हूँ और अभी मैं आपको सेट दिखाऊँगा। ये पीछे है सिद्धार्थ का रूम और मुझे अभी भी याद है जब ये यहाँ पे सेट शिफ्ट हुआ था तब हम यहाँ आए थे और मैंने उनको फ़ोटोज़ फ्रेम गिफ्ट किया था। लेकिन अभी ये लास्ट टाइम इस रूम के बाहर है तो बहुत मज़ा आएगा आज। ओके अच्छा देगा वो कहने मतलब मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। तो गाइस बेसिकली सुबह से अभी रात हो गई है और आज यूजुअल मैंने कुछ नहीं बनाया है क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ। ये भी लास्ट डे है और देखा कि मतलब एक फैमिली उन लोग की हो गई थी। मैं बीच में 3 महीने था वो बात अलग है, लेकिन वो लोग की अच्छी फैमिली हो गई थी और अभी सब अलग अलग जगह पे जाएंगे। शायद ही कोई साथ तुम्हें काम करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बनाना। लेकिन मैं थोड़े से हाईलाइट है जो वीडियोस में डालूँगा तो इस बार के लिए आप समझ के ले लेना। ओके 2.5 साल हो गए हमारे शो को एंड आज ऐसा लग रहा है कि आज हम फिर से नया शो शुरू करने वाले हैं क्योंकि वो जो एनर्जी हमने फर्स्ट एपिसोड में लगाई थी वो एनर्जी आज भी मेंटेन है। और जब भी मुझसे कोई पूछता है कि अलादीन जब आप करते हो तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको अपने कंधे को उठानी पड़ती है और एक कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के आप किसी शो को चलाते हो, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमारे शो की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर एक बंदा बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है और अपने काम की इज्जत करना जानता है। अब नींद नहीं है बट थैंक्स टू हर ऑल्सो बिकॉज उसने यास्मीन को एक जिंदगी दी, एक कैरेक्टर को अच्छा बनाया। सो थैंक्स टू हर ऑल्सो। मैं अलादीन पहले नहीं करना चाहती थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब अलादीन करने के बाद मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का वन ऑफ दी वेरी गुड डिसीजन है। और यहाँ 2 साल के बाद भी मुझे जो वाइब्स मिली लोगों से, जितना ज़्यादा लोग डेडिकेटेड थे यहाँ पे अपने काम को लेके, वो बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही प्यारी थी। मेरी जर्नी बहुत लंबी नहीं रही है बाकी सब की तरह, पर वो छोटी सी जर्नी को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। फैमिली मिली, आमिर भाई में बड़ा भाई मिल गया, सिद्धार्थ में छोटा भाई मिल गया, आशी में बहुत अच्छी दोस्त मिल गई, अमन पाजी मिल गए एंड प्रोडक्शन इतना अच्छा मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे बस इतना पता है कि कल मैं अलादीन का रोस्टर साइन नहीं करूँगा, कल मैं पर डे नहीं कमाऊँगा अलादीन से और आप लोगों से शायद मुलाकात होगी लेकिन एज अ टीम ऑफ अलादीन नहीं होगी। यस डेफिनेटली आप सबको बहुत मिस करूँगा। हम है अय्याज जफर। खड़े हो गए सर, खड़े हो गए। इंसान किस्मत के हाथ की कठपुतली होता है। इंसान किस्मत का। एक्शन में डायरेक्टली सिद्धार्थ जी वो लगा रहे जहाँ पे सिद्धार्थ और आशी पीछे आए थे और ऊपर से वो ये है पत्थर आ रहा था, ये है और जी तो कपड़ा वास्ते। अरे जिया इधर ले बेटे, इधर ले और बस। अभी जी ऊपर कर कपड़ा रोलिंग एंड आशी कैमरे की तरफ टर्न कर सिद्धार्थ का बस रोल and action Ashi. Hold. Okay. Okay. चलो साइनाथ क्या बोल एक ही बार थैंक यू बेटा कैमरा लेके जाओ थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे चलते चलते बाय फाइनली हम सेट का जो सामान था उनका वो लेके जा रहे कार में। तो दिस इज द पर्सन जिनकी वजह से सिद्धार्थ हमेशा खुश रहता है, सिद्धार्थ को कोई तकलीफ नहीं होती। तो दिनेश भाई कैसा लग रहा है, सेट का आज लास्ट डे है? बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमने 2.5 साल एक साथ में काम किया है, बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी और सर के साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। आज शो बंद हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है, बस और कुछ नहीं बोलना। ओके वरना वो रो देंगे। फिलहाल बेसिकली मेरी जर्नी शुरू हुई थी इनके साथ अलादीन में, जब फर्स्ट में इनको मिला था और आज लास्ट डे है। और आप सब लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि एक बाइट लेने के लिए, तो सर प्लीज, तो मैं पूछना चाहता हूँ सबकी तरफ से कि आपको अलादीन की जर्नी कैसी रही? मेरी अलादीन की जर्नी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल रही है, बहुत अमेजिंग रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इस जर्नी से, बहुत मैच्योर हुआ मैं इस कैरेक्टर को प्ले करते करते। और ये जर्नी जो 2.5 ईयर्स की थी, ये सब पॉसिबल भी इसीलिए हुआ बिकॉज आप लोगों ने हमें कांस्टेंट प्यार और सपोर्ट दिया, तो उसके लिए शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, काफी लोग जानना चाहते हैं सीजन 2 के बारे में। सीजन 3 खत्म हो चुका है, जो 4 वाला आएगा, जो नया आएगा उसके बारे में। सीजन 4 के बारे में अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता बिकॉज आई डोंट नो कि आएगा भी या नहीं आएगा, बट आपने सीजन 3 तक जितना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज keep loving me and keep supporting me, और जितने मेरे आगे प्रोजेक्ट हैं उसमें सपोर्ट करिए। थैंक यू। और लास्ट जो सब जानना चाहते हैं, इसके बाद आपका नया प्रोजेक्ट क्या है? अभी मैंने 3 म्यूजिक वीडियो शूट करी है, तो वो बहुत जल्द आने वाले हैं तीनों, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और है बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन अप, तो मैं आपको बताऊंगा, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर दीजिएगा। ओके थैंक यू। पार्टी चल रही है आज, बेंगलुरु पार्टी चल रही है आज, बेंगलुरु पार्टी चल रही है। My brother has best platform. Really, I believe he has done a fantastic job. I'm proud of him. ओके गाइस, तो अभी रात के बज गए हैं 2 करीबन बजने वाले हैं और सुबह से रात हो गई है। आर्यन, कैसा लगा पार्टी? भाई इतना मज़ा है क्या बताऊँ। अभी तो मैं पूरा थक गया, ऐसा मैं क्या बोलूँ आपको। मैं घर पे जाऊँगा और ऐसे सो जाऊँगा और अभी भी नींद आ रहा है मुझे, तो रियल बोल रहा हूँ। और बेसिकली मुझे 40 किलोमीटर्स ड्राइव करके जाना है आज रात को। और सिद्धार्थ का डांस देख के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा बता मैं क्या ही बताऊँ, आप वीडियो में देखी होंगे। और नेक्स्ट थिंग कि आर्यन, तुम्हें कैसा लगा मेरे साथ अलादीन सेट पे आके? बहुत अच्छा लगा मुझे सागर, थैंक यू सो मच। आर्यन नहीं होता तो मेरा आज का दिन बहुत बोरिंग जाने वाला था, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल था। अटैचमेंट थी मेरी अलादीन के सेट के, जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम मैं सिद्धार्थ को अलादीन ही मिला था। जब अलादीन का सेफ्ट नायगांव शिफ्ट हुआ था तब मैंने पर्पस एंटरटेनमेंट ज्वाइन किया था। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द अलादीन। बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ से, अवनीत के साथ जुड़ने का मौका मिला, बाकी सारे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज हम जाएंगे अपने घर, तो वीडियो को एंड करते इतने में। ओके बाय।